एक हमारे युवा साथी संदीप गौतम हमारे बीच में है, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि ये यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनका तात्पर्य क्या है, क्या मांग है। संदीप जी, आप युवा हैं और आपको तो शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, आज आप ये जंतर मंतर पर आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आए हैं? हमारी मांग यही है, जो अनीता को जैसे कि उसके 90% से एवो नंबर आने के बाद भी उसको नीट में सफलता प्राप्त ना होने के बावजूद सिर्फ गलत नीतियों के खिलाफ हमारा ये धरना प्रदर्शन है, जो गलत नीतियों के खिलाफ सरकार की जितनी भी गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ नीला झंडा अब हर बार नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करता रहेगा। जैसे जैसे बहुजन छात्र हमारा, आपने कहा कि शिक्षा की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए, शिक्षा की ओर अग्रसर तो हम जब होंगे जब हमें ये लोग नीतियाँ उस हिसाब से बनाकर देंगे। बहुजन छात्र जब तक एकजुट नहीं होगा, हम लोग उसको एकजुट करने की पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे वो अनीता का कांड हो, अभी एक पत्रकार की मृत्यु हुई, 7 गोलियां उनके घर में घुस के मार दी गई, गौरी लंकेश, सबको पता है वो किन नीतियों के खिलाफ थी और किन चीज़ों को लेकर, वो सबको पता है उनकी खुशी पर कौन खुश हो रहा है, कौन दुख हो रहा है। हमारे देश की इतनी बुरी हालत कर दी गई है इस वक्त कि जो जवान खोलने की कोशिश कर रहा है उसको मार दिया जा रहा है या उसके ऊपर कोई ना कोई पाबंदी लगाकर उसको अलग कर दिया जा रहा है। तो बहुजन छात्र हैं जो उसको हम एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप जी, अभी गौरी लंकेश का जो ये मर्डर हुआ उसमें ट्विटर पर जाके ट्वीट किया जा रहा है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? ये जो सबसे बड़ी बात है, ट्विटर पर जो ट्वीट किया है जिस व्यक्ति ने, उसको नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्म वाली बात है जो हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को फॉलो करता है जो किसी महिला को इतने अपशब्द कहे हैं उसने, जिसने अपनी कुर्बानी दी एक तरीके की, कर्नाटक में जो 7 गोलियां लगी गौरी लंकेश जी की पत्रकार को, उन्होंने कुर्बानी दी उनके खिलाफ ऐसे अपशब्द, बट देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी को इतना समझना चाहिए कि इस देश की जो जितने भी बहुजन छात्र हैं या कोई भी पत्रकार है, उनको अपनी स्वतंत्रता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना के दिया है, उसमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं जिनको अपनी अपनी आज़ादी है कहने की बात कहें, इससे बुरी हालत देश की क्या होगी कि यहाँ के जो तमिलनाडु के किसान हैं वो आज लैटरिन खाने पे मजबूर हो चुके हैं, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रशासन को अगर वो लैटरिन खाने के लिए कोई व्यक्ति मजबूर हो जाए, बहुत ही शर्मसार होने वाली बात है। और बीएसपी यूथ इसको हर प्रोग्राम अब नीले झंडे के अंदर प्रदर्शन करते रहेगा, जो कोई कहते हैं कि बीएसपी 10 दिन पहले निकल के आती है, कंटिन्यू बीएसपी यूथ बहन जी के समर्थन में, बहन जी के साथ उनके उनकी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़कर चलेगा। अभी संदीप जी आप नारे लगा रहे थे कि जो दलित विरोधी काम करेगा, सड़कों पर खून बहेगा, तो इसका क्या तात्पर्य, आप क्यों खून बहाना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि दलित हितों का जब हनन होगा, जब हमारे हनन होगा, जैसे अभी आपने देखा होगा बहन जी को संसद में नहीं बोलने दिया, उन्होंने क्या किया, वहाँ से इस्तीफा दे दिया, क्यों दिया, क्योंकि जब जिस समाज में जिस देश में हम अपने समाज की बात ही ना रख पाएँ, अपने समाज के लिए कुछ कर ही ना पाएँ, तो उसको जीना बेकार है, जब तक हम उसके लिए विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे या किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे, तो ये ऐसा प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप मानते हैं कि जब से ये 3 साल में जो सरकार, अब बीजेपी की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, क्या युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का जो प्रावधान था वो कहाँ तक साबित हुआ है? 2 करोड़ युवाओं को तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि अगर 50,000 को किसी ने नौकरी दी हो तो हम उसके हमारे सामने आके मतलब उसके बात करें। नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषणबाजी वो करते हैं, मित्रों ये कर दूंगा, मित्रों वो कर दूंगा, ये चीज़ एक अफवाह के तौर में लोग अब समझ गए 2019 में सत्ता बीएसपी की आने वाली है, बहुजन समाज पार्टी की आने वाली है, और बीएसपी यूथ आगे चलकर बहन जी के साथ अब मेरठ में रैली में 18 तारीख को हम लोग जा रहे हैं, उसके लिए बीएसपी यूथ पूरी तरीके से कर रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव में जब बीएसपी का जो बीएसपी लड़ रही है वहाँ से 1 महीने की छुट्टी लेकर पूरा बीएसपी यूथ वहाँ पर भी जाएगा।